और अब खबर जम्वा रामगढ़ से आ रही है, जहां पर बारिश का दौर है और रामगढ़ बांध की सहायक रोड़ा नदी में पानी की आवक हुई है। आसपास के युवा पहुंचे हैं रोड़ा नदी में पानी को देखने के लिए। जम्वा रामगढ़ समेत आसपास के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और मूसलाधार बारिश से अब रोड़ा नदी में पानी आया है। देखिए लगातार अभी डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी आप सुन रहे थे, तो जो राजस्थान पर इंद्रदेव जिस तरीके से बारिश की सौगात दे रहे हैं, हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं कि राजस्थान के जो कई वर्षों से सूखे नदी थे, सूखे बांध थे, वो अब पानी से भर रहे हैं। तो जम्वा रामगढ़ में भी अब आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते रामगढ़ बांध से ये अच्छी खबर आ रही है कि रोड़ा नदी जो है उसमें पानी देखा गया है। मूसलाधार बारिश के चलते इस जगह पर पानी, जो कई वर्षों से सूखा ये क्षेत्र पड़ा था, वहां पर पानी की आवक देखकर जो युवा हैं उनके चेहरे खिल गए और लोग वहां पर पानी को देखने के लिए पहुंच गए हैं। तो जम्वा रामगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है और रोड़ा नदी में पानी देखा गया है। और अब खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला मुख्यालय समेत जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो वहीं भारी बारिश के चलते रणथंभौर के सभी झरने समेत जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं निचले इलाके में पानी से जलमग्न हो गए हैं, कई घरों में पानी भर गया है। बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। तो वहीं लटिया नाला स्थित राजबाग पुलिया टूटने से दूसरी तरफ फंसे लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें बचाया जा रहा है। इसमें थोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रात से ही बरसात हो रही थी जिसकी वजह से ये पुलिया गिर गई थी। इसमें कुछ लोग जो सुबह गए थे घूमने के लिए वो उधर दूसरी साइड रह गए थे, उनको नाश्ता भिजवा दिया है रेस्क्यू करके रस्से से और उनको सुरक्षित खड़े रहने के लिए कहा है। जैसे ही प्रशासन से या कोई भी मदद मिलती है रेस्क्यू के लिए, जो भी प्राथमिक उपचार जो साधन मिलेंगे उनसे इनको रेस्क्यू करके इधर लाया जाएगा। पर ये भगवान की कृपा हो रही है, बरसात तो होनी चाहिए, पर बरसात किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रकृति है, प्रकृति के साथ पिछले MLA ने खिलवाड़ किया है। जामा मस्जिद के सामने ऐसी पुलिया को ढक दिया कि पूरा शहर पानी की वजह से डूबा हुआ है। अपने फायदे के लिए उन्होंने उस पुलिया को सेंक्शन करवाया है और उसको पूरी को ढक दिया। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। MLA साहब के प्रतिनिधि और MLA साहब कार्यकर्ता, ये जो पुलिया टूटी हुई है इसके लिए हमने क्रेन की व्यवस्था की है, क्रेन आ रही है और इनको अभी रेस्क्यू किया। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर तखतगढ़ नगर पालिका पूर्व पालिका अध्यक्ष और वर्तमान में पार्षद अंबा देवी ने कांग्रेस छोड़ दी है और अब BJP में शामिल हो चुकी हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने BJP कार्यालय में BJP का दुपट्टा पहनाया। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि आज से पूर्व पालिका अध्यक्ष अंबा देवी BJP नेता हो गई हैं। वहीं लोक देवता तेजाजी महाराज के मेले को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर कुचेरा के ढाडरिया कला से खरनाल के लिए पैदल जत्था रवाना हुआ है। जोगीराम भांबू ने फीता काटकर 251 भक्तों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं JCB से पुष्प वर्षा कर संघ का जगह जगह पर स्वागत भी किया जा रहा है। तो तेजाजी महाराज के मेले को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और 251 पैदल यात्री तेजाजी महाराज के स्थान पर पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर दो दिन से आमरण अनशन कर रहे शहरवासियों से उपखंड अधिकारी सालुखे गौरव रविंद्र मिलने पहुंचे और उनकी समस्याओं को भी सुना गया है। इस दौरान शहरवासियों ने बताया कि खस्ताहाल सड़कों और आवारा मवेशियों से आमजन परेशान हो चुके हैं। उपखंड अधिकारी ने सभी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया और उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस दौरान तहसीलदार PWD के अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे।
अब बात एसआई भर्ती पेपर लीक की करेंगे। इस प्रकरण से जुड़े बड़े अपडेट को लेकर आपको जानकारी दे दें, एसओजी ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को 26 सितंबर तक जेल भेज दिया है। तो एसआई भर्ती पेपर लीक मामले के सभी आरोपियों को एक बार फिर से कोर्ट लाया गया और कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को अभी फिलहाल 26 सितंबर तक जेल भेज दिया है। ये तमाम मुख्य आरोपी बाबूलाल कटारा से लेकर रामूराम रायका और उसके बच्चे और तमाम वो लोग जो पेपर लीक करने में शामिल रहे, इनकी रिमांड लगातार इन दिनों में चली। उसके बाद एसओजी ने कोर्ट में इनकी पेशी करवाई है और कोर्ट ने अब इन्हें जेल भेज दिया है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुणाल, अभी फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है? बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, कोर्ट में आज इनकी रिमांड खत्म होने वाली थी, उसके बाद एसओजी ने 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने सभी जो 9 आरोपी थे उनको 26 सितंबर तक जेल भेज दिया है और आज इनकी रिमांड खत्म होने वाली थी और कल जो है, क्योंकि इन 9 आरोपियों में से एक की 3 दिन की और बाकी 9 की 2 दिन की जो रिमांड थी, कल जो है बाबूलाल कटारा जो पूर्व आरपीएससी सदस्य है उसको पेश किया जाएगा। और लेकिन अभी जो इस पूरे मामले में अपडेट आ रही है, आरोपी अविनाश, विजेंद्र सिंह, मंजू, ऋतु, अर्जुन सहित जो रामूराम राय का है और इसकी बेटी शोभा, बेटे देवेश को 26 जो सितंबर तक है जेल भेजने के आदेश जो है कोर्ट ने दिए हैं। जी बिल्कुल कुणाल, यानी अभी फिलहाल जो रिमांड चल रही थी, अभी फिलहाल जेल में क्या आगे पूछताछ जैसी प्रक्रिया चलेगी या फिर अभी फिलहाल के लिए जो इनसे रिमांड में जानकारियां इकट्ठा हुई हैं उस पर एसओजी कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से जब इनकी रिमांड ली गई थी तो कई अहम जो है तथ्य सामने आए थे और तथ्य सामने आने के बाद हमने देखा कि किस तरह से एसओजी की जो टीम है वो पूर्व सदस्य जो रामूराम राय का है, उसकी बेटी शोभा और देवेश, इसके अलावा पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को जो है लेकर गई थी अजमेर आरपीएससी, वहां पर इनका जो बाबूलाल कटारा का चैम्बर है वहां पर इनसे जो है आमने सामने बैठा कर पूछताछ हुई थी और पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए थे और पूछताछ के बाद वापस इनको जयपुर लेकर आया गया था और जयपुर लाने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद जो एसओजी की तरफ से तर्क दिया गया था कि जो दस्तावेज मिले हैं उसके बारे में और हमें पूछताछ करनी है तो हमें जो है रिमांड दी जाए, 7 दिन की रिमांड की जो है बात की जा रही थी, लेकिन उस समय जो बाबूलाल कटारा है उसकी 3 दिन की और बाकी जो 9 आरोपी है, रामूराम राय का, बेटी बेटी शोभा, बेटे देवेश और मंजू, जो विजेंद्र, अविनाश, इन तमाम लोगों की जो रिमांड थी वो 2 दिन की थी, आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। अब इनसे जो पूछताछ में जो तथ्य निकल कर आए हैं उस पर जांच होगी। शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एसओजी लगातार एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर सजगता के साथ कार्रवाई कर रहा है, परत दर परत मामले को खोला जा रहा है और जो आरोपी ऑलरेडी पुलिस गिरफ्त में हैं उनसे पूछताछ के बाद अब सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। दिया, मैंने उसके बारे में आज मेरी स्पीच में बोला कि विद्याधर नगर तक प्लान है कि ये तक हम लोग एक्सटेंड करेंगे। अब उन कितना कहे उतना मैं मानती हूँ टाइम वेस्ट है, उनको हमारे देश की वहाँ जाके बुराई करना, हमारे जो परिस्थितियाँ हैं हमारे देश में उसके बारे में विदेशों में जाके चर्चा करना, इससे क्या दिखता है? अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो, राष्ट्रभक्त हो, तो कभी भी आप हमारे देश की बुराई कहीं भी नहीं करोगे और ये तो विदेशों में जाके बुराइयां कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। जो उनकी ओपिनियन है उनका, वो उनको उनका ओपिनियन है, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी भी हम लोगों ने आरओबी, आरयूबी, जो पानी इकट्ठा होता है उसके लिए, सड़कों के लिए, सैटेलाइट हॉस्पिटल, महाविद्यालय, हमने ये बहुत सारी सब चीजें ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि पहले ही साल में इतना कुछ दिया है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी का कि इस बजट में आप किसी को पूछ लीजिए, सब लोग खुश हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं और ये पहले ही साल में इसलिए दी हैं
क्योंकि हम लोग इसको खत्म करेंगे, यही नहीं कि बात करेंगे बड़ी बड़ी जो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस क्या करती थी? वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। हम लोगों ने इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स किए हैं, घोषणा भी की है, तो काम भी होगा। फर्स्ट ईयर में निंदड़ परियोजना के बारे में, योजना के बारे में भी उच्च स्तर पे बात हुई है, मेरी मंत्री जी से भी हुई है, इसका भी समाधान जल्द से जल्द निकालने का प्रयास कर। तो आपने सुना डिप्टी सीएम दिया कुमारी को जो राहुल गांधी पर कटाक्ष करती नजर आई। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएम भजन लाल शर्मा जापान दौरे पर हैं। सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने जापान में भारतीय राजदूतावास के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज और राजदूतावास के अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में मुलाकात प्रतिनिधिमंडल की हुई है।